जावास्क्रिप्ट के अंदर होस्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होस्टिंग का मतलब होता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को नीचे डिक्लेयर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर डिक्लेयर होता हुआ प्रतीत होता है। अब आप लोग कहोगे इस बात का क्या मतलब है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ और क्यों जावास्क्रिप्ट को ये काफ़ी पावरफुल बनाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं होस्टिंग के बारे में और जावास्क्रिप्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। मैं आप लोग को बताता हूँ, मैंने एक रैपल बना रखी है और इस रैपल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये खोल रखा है अपना लिंक, तो मैं यहाँ पर जो कुछ भी लिखूंगा वो यहाँ पर जो है मुझे शो हो जाएगा। मैंने इसका जो कंसोल है वो भी खोल लिया, आप देख सकते हो अभी फिलहाल कंसोल में कुछ भी शो अप नहीं हो रहा है। तो नोट्स में मैंने आप लोगों के लिए होस्टिंग के बारे में लिखा है और ये वेब होस्टिंग नहीं है, कंफ्यूज़ मत होना आप लोग बिल्कुल भी। ये एक कॉन्सेप्ट है होस्टिंग, जिसका मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी डिक्लेरेशंस होती हैं उसको वो एट द टॉप ऑफ द कोड रखता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, रखता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या है। होस्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय द इंटरप्रेटर अपीयर्स टू मूव द डिक्लेरेशंस टू द टॉप ऑफ द कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन से पहले जितनी भी सारी डिक्लेरेशंस हैं उसको जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर होता है वो एट द टॉप जो है रखता हुआ प्रतीत होता है। वेरिएबल्स कैन दस बी रेफरेंस बिफोर दे आर डिक्लेयर्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो इसीलिए तो आप लोग वैर ए लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर बाद में और ए जो है ऊपर आपके उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस बात का क्या मतलब है। मानो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ फंक्शन ग्रीट, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और डबल कोट्स के अंदर गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मैंने ये लिखा। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर ग्रीट को कॉल कर दूंगा तो आप में से कई लोग सोचोगे कि यार ग्रीट पहले आया लेकिन फंक्शन तो नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ पर तो एरर आ जाएगा क्योंकि ग्रीट फंक्शन उसको मिलेगा ही नहीं। बट टू योर सरप्राइज अगर मैं इसको रन करूँ तो गुड मॉर्निंग सक्सेसफुली रन हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी फंक्शन डिक्लेरेशंस हैं वो ऊपर आ जाती हैं अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, तो ग्रीट जो है ये जो कोड है ये एग्जैक्टली इसमें चेंज नहीं होगा बट ये इसमें चेंज होता हुआ प्रतीत होगा। सारी जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो एट द टॉप आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग ये चीज़ को समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको दोबारा से ऐसे कर देंगे और होस्टिंग के बारे में और चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट ओनली होस्ट डिक्लेरेशंस नॉट इनिशियलाइजेशंस, द वेरिएबल विल बी अनडिफाइंड अंटिल द लाइन वेयर इट्स इनिशियलाइज्ड इज रीच्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट ए, ठीक है, मान लो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट ए कंसोल डॉट लॉग ए, ये जैसे ही सेव हो जाएगा यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा ए इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, कहेगा भाई ए क्या है, क्या चल रहा है ये। अब अगर मैं यहाँ पर वैर ए लिख देता हूँ, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देता हूँ और मैं इसको रीलोड करता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग देखो कि ये अनडिफाइंड यहाँ पर आ गया। ठीक है, नोट दैट मैंने वैर लिखा है, लेट नहीं लिखा है। ठीक है, अब मैं अगर ये पहले कर दूँ यहाँ पर लाइन नंबर वन पे वैर ए लिख दूँ तब तो आप लोग को पता है यार नवासी वा वीडियो चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, कोई मजाक नहीं है। आप लोग को इतना तो पता है कि भाई मैं लाइन नंबर वन में वैर ए लिखूंगा तो फिर लाइन नंबर टू में कंसोल डॉट लॉग ए करके जो ए है वो अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन आप लोग ये चीज़ देखना कि मैंने नीचे लिखा वैर है उसके बाद भी ये एरर जो है गायब हो गया। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो ये एरर दोबारा आ जाएगा, जहाँ पर अनडिफाइंड लिख कर आ रहा था वहाँ पर अब एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड आ गया और मैं ये जब करूंगा तो ये एरर चला जाएगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेरिएबल्स और फंक्शन डेफिनेशंस को ऊपर जो है और क्लास डेफिनेशंस को भी ऊपर होस्ट कर देता है। ठीक है, अब यहां पर वेरिएबल विल बी अनडिफाइंड अंटिल द लाइन वेयर इट्स इनिशियलाइज्ड इज रीच्ड, ये बात भी आपको बताता हूं। अब मान लो मैं ए इज इक्वल टू 9 लिखता है यहां पर, ठीक है, तब क्या होगा, 9 प्रिंट होगा या फिर अनडिफाइंड प्रिंट होगा, अनडिफाइंड प्रिंट होगा, 9 प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब तक ये वाली लाइन नहीं आ जाती तब तक ए की वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी और इस लाइन के आते ही क्या होगा कि 9 प्रिंट होगी ए की वैल्यू। तो मैं आपको अगर इसको रन करके दिखाऊं तो अनडिफाइंड तो रहेगा ही, फिर गुड मॉर्निंग और 9 प्रिंट होगा क्योंकि इस लाइन को लाइन नंबर 8 को पास करते ही क्या होगा कि वैल्यू ए की 9 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह का कोड चलता हुआ दिखेगा, वेयर ए यहाँ पर और ए इज इक्वल टू 9 यहाँ पर, कुछ इस तरह से, ठीक है, चलता हुआ दिखेगा, प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये वाले कोड का भी अगर मैं आउटपुट आपको दिखाऊँ तो अनडिफाइंड गुड मॉर्निंग 9 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डिक्लेरेशन होस्टेड टू द टॉप बट इनिशियलाइजेशन इज नॉट। ठीक है, इनिशियलाइजेशन एट द टॉप होस्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Following two lines will run successfully due to
होस्टिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में जो है ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, और आपका ये जो जितने भी डीस्ट्रक्चरिंग हो गया, काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ तो जो है हमने देख ली, बट कुछ चीज़ें हैं मिसलेनियस होस्टिंग के बारे में जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैंने नोट्स में भी लिखी हुई है। अब लेट और वैर के साथ बिहेवियर डिफरेंट होता है। जहाँ हम बात करते हैं कॉन्स्ट और लेट वर्सेस वैर की, कॉन्स्ट या लेट यूज़ कर रहे हैं अगर तो बिहेवियर अलग होगा, वैर यूज़ कर रहे हैं तो बिहेवियर अलग होगा। कैसे अलग होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लेट कर दूँ इसको, ठीक है, फिलहाल क्या सीन है अभी हमारा, फिलहाल ये अनडिफाइंड गुड मॉर्निंग लिख कर आ रहा है। क्यों लिख कर आ रहा है? मैंने यहाँ से ए हटा दिया, क्या मैंने यहाँ से ए हटा दिया, पता नहीं कब हटाया, याद नहीं है मुझे, मैं भी वीडियो देख लूँगा कब हटाया था मैंने। अनडिफाइंड गुड मॉर्निंग 9 लिख कर आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। यहाँ तक सो फार सो गुड, सब कुछ बढ़िया था, कुशल मंगल, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं वैर की जगह लेट यूज़ कर लूँ, तब क्या होगा? अगर मैं वैर की जगह लेट यूज़ कर लूँ तो ये कह रहा है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब इसका मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब समझे, ये कह रहा है कि भाई लेट है, ये लेट वेरिएबल है, इसको पहले इनिशियलाइज करो, उससे पहले यूज़ नहीं कर सकते आप, तो कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन लिख कर आ रहा है। तो क्या होता है कि जब आप लेट या कॉन्स्ट यूज़ करते हैं तब जो डिक्लेरेशन होता है वो होस्टेड हो जाता है एट द टॉप, बट इनिशियलाइजेशन नहीं होता है, वो इनिशियलाइज नहीं हो पाता है। तो एक तरह से वेरिएबल एक टेम्पररी डेड जोन में चला जाता है। अगर मैं ऐसा करूँ ये कर दूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ लेट ए, तब ए अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तब आपको यहाँ पर अनडिफाइंड देखने को मिल जाएगा, अनडिफाइंड गुड मॉर्निंग, और इसके बाद जो है आपको अनडिफाइंड दोबारा देखने को मिल जाएगा, अनडिफाइंड गुड मॉर्निंग अनडिफाइंड, ठीक है। बट अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं और मैं उम्मीद करूं लेट से कि वो होस्ट होगा एट द टॉप, तो वो टेक्निकली हो तो जाएगा बट वो एक टेम्पररी डेड जोन में चला जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू कुछ इनिशियलाइज हो ही नहीं पाई। हमेशा डिक्लेरेशन होस्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन होस्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक आपको विचित्र सा एरर देखने को मिलेगा, और वो एरर ये कहेगा कि भाई आप ए को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनिशियलाइजेशन करो पहले इसका, तब जाके आप इसको जो है यूज़ कर पाओगे। अगर मैं ऊपर लेट ए लिख दूँ तो ऑटोमेटिकली ये अनडिफाइंड में इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लिखूं, वैर लिखूं तो कुछ और होगा, बट मैं दिखाना चाहता हूं आपको कॉन्स्ट से भी यही होगा। अगर मैं कॉन्स्ट इज इक्वल टू 9 भी लिखूं ना, तब भी यही सीन होगा, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। मैं इसको सेव करके आपको दोबारा रन करके दिखा देता हूं, क्योंकि रैपल भी कभी कभी जो है टाइम लेती है रन होने में। बट यहाँ पर अगर मैं वैर लिखूं तो क्या होगा कि होस्टिंग जो है वो लग जाएगी कुछ इस तरह से, आप यहाँ पर देख सकते हो गुड मॉर्निंग 9 अनडिफाइंड, ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है, वैर जब आप यूज़ करते हो तब होस्टिंग जो है हो जाती है आपकी, और आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, बट लेट और कॉन्स्ट आप यूज़ करते हो तो नहीं होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए इस चीज़ को। बट ये होस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। अब एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूं। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं कॉन्स्ट ग्रीट इज इक्वल टू एक फंक्शन, यानी कि मैं बना दूं इसको एक फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, एक एरो फंक्शन बना दूं अगर इस तरह से, तब क्या होगा, तब मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ क्या होगा। मैं इसको जैसे रिलोड करूँगा, उप्स ये क्या हुआ, कैन नॉट एक्सेस ग्रीट बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये क्या हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट का इस्तेमाल किया। अगर मैं यहीं पर वैर का इस्तेमाल कर दूँ तब क्या होगा, अगर मैं वैर का इस्तेमाल कर दूँ, ग्रीट इज़ नॉट अ फंक्शन, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशन एंड क्लास एक्सप्रेशन आर नॉट होस्टेड। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बनाकर दिखाया, इज इक्वल टू करके अगर मैं किसी भी चीज़ को लिखूँ तो एक फंक्शन एक्सप्रेशन होता है। अच्छा, अगर मैंने जो यहाँ पर किया है, मैं एक बार रैपलेट का ये हिस्ट्री वाला फीचर ट्राई आउट करूँगा यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है ये फीचर। देखो मैं बैक जा रहा हूँ यहाँ तक आ गया मैं, ठीक है, और रीस्टोर टू 189 कर दूंगा, रीस्टोर, ठीक है। आई होप मेरी फाइल जाएगी नहीं गई, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट ए इज इक्वल टू, या ए तो मैंने कर दिया, लेट ए एफ इज इक्वल टू, ए फंक्शन इज इक्वल टू, मैं कहूँगा ग्रीट, या फिर एक काम करते हैं लेट ग्रीट इज इक्वल टू ही लिख देते हैं, ठीक है। फंक्शन कुछ इस तरह से इसे यहाँ पर बना हुआ है, और मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ ग्रीट यार, ठीक है, फंक्शन ऐसे लिख देता हूँ। अब क्या मैं ग्रीट को यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशंस आर नॉट होस्टेड, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर वैर लिख दूँ तब भी क्या होगा, ये होस्ट नहीं होंगे, ग्रीट इज़ नॉट अ फंक्शन लिख कर आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि वैर से फंक्शन एक्सप्रेशंस जो है वो होस्ट नहीं होते, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को होस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, नोट छोड़ा हुआ है आप लोगों के लिए, विद लेट एंड वेयर होस्टिंग इज डिफरेंट, कंसोल डॉट लॉग नम करोगे एरर आएगा, लेकिन अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो वेयर तो अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये इस सेम कोड में, ठीक है।
फंक्शन एक्सप्रेशंस और क्लास एक्सप्रेशंस जो है वो होस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्लास एक्सप्रेशन क्या है, एक तो मैंने आप लोगों को जस्ट क्लास बनाकर दिखाई थी, बट क्लास एक्सप्रेशन भी होता है जिस तरह से हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन होता है। आप कॉन्स रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्लास करके क्लास एक्सप्रेशन भी बना सकते हो और वो भी होस्टिंग का पालन नहीं करेगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए इस चीज़ को एंड आप लोग का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट किसी ने अभी एक्सेस नहीं करी है तो यार इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।